सो अब ये सिलसिला, जैसे कि अरशद रशीद साहब ने कहा, बाकायदगी से इस सिलसिले का आगाज करते हैं। सो सबसे पहले मैं जिन शायर को दावत दूंगी उनका नाम है जनाब रेहान मंसूर। आप हमारे मुशायरे के पहले बाकायदा शायर हैं। पेशे के एतबार से आप इंजीनियर हैं, आपका ताल्लुक इल्मी और अदबी घराने से है। आपके मामू जनाब जहांगीर हमदानी का शुमार हमारे इस इलाके के बड़े आलमों में होता है। आप भी अपने मामू की डगर पर चलना चाहते हैं, ज्यादातर मजहबी कलाम लिखते हैं जैसे हम नात और मनकबत वगैरह। आज आप अपनी गजल पेश करेंगे। इनकी मनकबत के एक शेर से आप आज के सिलसिले का आगाज करते हैं। उम्मत पे कर्ज था जो चुकाया हुसैन ने, उम्मत पे कर्ज था जो चुकाया हुसैन ने, कीमत है हक की क्या ये बताया हुसैन ने। बहुत अच्छा गाएगा रेहान मंसूर साहब। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। मैं अपनी एक गजल पेश करता हूँ आपकी इजाजत से। इरशाद। गया जिंदगी से वो मौसम सुहाना, गया जिंदगी से वो मौसम सुहाना, खिजां और पतझड़ का है आना जाना। हुआ गैर वो जो के अपना लगा था, हुआ गैर वो जो के अपना लगा था उसे वसल के दिन से पाया बेगाना। वाह वाह, सभी हाथ में संग लेके खड़े हैं। अच्छा। सभी हाथ में संग लेके खड़े हैं, बना खुद ही मुनसिफ ये सारा जमाना। क्या बात, बना खुद ही मुनसिफ ये सारा जमाना। पिलाया है साकी तो थामे भी अब तू, पिलाया है साकी तो थामे भी अब तू, छलकने को है देख मेरा पैमाना। वाह वाह, लिखने को है देख मेरा पैमाना। शेर देखिएगा के छुपाई है यारों से अपनी कहानी, छुपाई है यारों से अपनी कहानी, जो मेरी हकीकत वो उनका फसाना। मेरी हकीकत वो उनका फसाना। मेरा खाली कमरा भी खाली नहीं है, मेरा खाली कमरा भी खाली नहीं है, सर है मैं और सब पुराना। इसके पता कीजिए दोबारा। मेरा खाली कमरा भी खाली नहीं है, मेरा खाली कमरा भी खाली नहीं है, ये बिस्तर है मैं और सब पुराना। वाँ। और सिखाया मुझे तजुर्बों ने है रेहान, सिखाया मुझे तजुर्बों ने है रेहान, खिसारे का सौदा है दिल का लगाना। जिंदगी से वो मौसम सुहाना और पतझड़ का है आना जाना। इजाजत हो तो एक और गजल पेश करो। जहरे जफाए हुस्न पिए जा रहा हूँ मैं, जहरे जफाए हुस्न पिए जा रहा हूँ मैं, यूं इश्क से निभा किए जा रहा हूं मैं। यूं इश्क से निभा किए जा रहा हूं मैं, मुझको मिलेगा मेरी वफाओं का कुछ सिला, मुझको मिलेगा मेरी वफाओं का कुछ सिला, उम्मीद उनसे कितनी किए जा रहा हूं मैं। उम्मीद से कितनी किए जा रहा हूं मैं, छोड़ू जो गम का साथ तो तन्हा है जिंदगी। छोड़ू जो गम का साथ तो तन्हा है जिंदगी, दर्दो अलम के साथ जिए जा रहा हूँ मैं। दर्दो अलम के साथ जिए जा रहा हूँ मैं, और शम्मा भी दाम पर है सरे शाम इंतजार, शम्मा भी दाम पर है सरे शाम इंतजार, क्या क्या तकल्लुफात किए जा रहा हूँ मैं, क्या क्या तकल्लुफात किए जा रहे हैं। बहुत फिर देखिएगा कि रुए जमीन पे जिसकी ना कुछ कदर हो सकी, रुए जमीन पे जिसकी ना कुछ कदर हो सकी, रुए जमीन पे जिसकी ना कुछ कदर हो सकी,
सुए फलक को दर्द लिए जा रहा हूँ मैं। क्या कहने में, सुए फलक को दर्द लिए जा रहा हूँ मैं। घायल हूँ गर्चे हिज्र के कांटों से मैं रिहा, घायल हूँ गर्चे हिज्र के कांटों से मैं रिहा, रस्मे वफा सिलब को सिए जा रहा हूँ। रस्मे वफा सिलब को सिए जा रहा हूँ मैं, जहरे जफाए हुस्न पिए जा रहा हूँ मैं, वाह, क्यों इश्क से निभा किए जा रहा हूँ मैं। बहुत बहुत खूब, क्या कहने, बहुत अंदर, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। छुपाई है यारों से अपनी कहानी, वो मेरी हकीकत, जो मेरी हकीकत वो उनका फसाना। बहुत खूब, ये थे मोहतरम रेहान मंसूर साहब। अब आगे बढ़ते हैं और मैं अब जिन शायरा को पढ़ने का मौका देने चाहती हूँ, उनका नाम है मोहतरमा कौसर सैयद, और इनको मैं खुद भी पहले सुन चुकी हूँ और इनकी शायरी की बहुत फैन हूँ। इनका ताल्लुक हिंदुस्तान जूनागढ़ के एक मौजूद इल्मी अदबी घराने से है। शायरी आपको विरसे में मिली है, आपके नाना और मामू तो बाकायदा शायर थे और वालिद को शायरी से शगफ था। आपकी तालीम नफ्सियात और अदब के मौजू पर रही, आप फ्रीमोंट यूनिफाइड स्कूल डिस्ट्रिक्ट में मुतरजम की खिदमात अंजाम देती रही हैं और आजकल बाकायदा सनद लेकर होम्योपैथी कर रही हैं। इनका एक शेर पेश करती हूँ। तीरगी अब मेरी राहों का मुकद्दर बन गई, तीरगी अब मेरी राहों का मुकद्दर सी है, काश मिल जाए कोई राह दिखाने वाला। तो मोहतरमा कौसर सैयद, शुक्रिया एफ्रा, और मैं उर्दू अकेडमी की शफकतों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इस उम्दा महफिल में मुझे तो अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका मिल रहा है। वो शोरा जिनको मैं YouTube पे तलाश करके सुना करती हूँ, आज उनके सामने अपने ख्याल पेश करने का मौका है। आज का दिन मेरे लिए बहुत उम्दा दिन है, शुक्रिया। आज कुछ नया लेके आई हूँ, सुनने में गीत जैसा लगता है, देखें आपको कैसा लगता है। मन है धूप, शाम चले एक छज्जे ऊपर भूली भटकी धूप। शाम चले एक छज्जे ऊपर भूली भटकी धूप, बारिश के गहरे बादल में फंसकर अटकी धूप। क्या बात है, रिमझिम की धुन पर बूंदों के नाच के साथ मगन। वाह, रिमझिम की धुन पर बूंदों के नाच के साथ मगन, मिट्टी के खनखन गीतों में बचकर महकी धूप। बहुत खूब, खनखन गीतों में बचकर महकी धूप। क्या कहने, वाह, थोड़ी सी आवाज जरा से लेकर, आवाज थोड़ी कम है। कोयल के गीतों से लेकर मोर की तान तलब। मोर की तान तलब, आम के मीठे रस में घुलकर दिल में अटकी धूप। क्या कहने, दिल में बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लोग बाघों की कलियों को सुंदरता का देकर रूप, बाघों की कलियों को सुंदरता का देकर रूप, इतने फूलों के रंगों में खिलकर चढ़ती धूप। कितने फूलों के रंगों में खिलकर चढ़ती धूप। और पतझड़ के मौसम में सूखे रंगों के भीतर, पतझड़ के मौसम में सूखे रंगों के भीतर, टूट बिखर कर सांस सवेरे दर दर भटकी धूप। रंग बसाए मन आंगन भीतर, कितनी रुत के रंग बसाए मन आंगन भीतर, यादों के मौसम में फिर नैनों से टपकी धूप। पतझड़ के मौसम में सूखे रंगों के भीतर, टूट बिखर कर चांद सवेरे दर दर भटकी धूप। बहुत अच्छे, बहुत अंदर।
आप सबकी इजाजत हो तो एक और गजल पेश करना चाहूंगी। बिल्कुल। रात की हद से परे निकल जाना, तसव्वुरात की हद से परे निकल जाए, हद से परे निकल जाए। क्या कहना, तसव्वुरात की हद से परे निकल जाए। आप इस तरफ आ जाइए जरा सा, तो आप देख लीजिए इधर से। ये जो आपकी गुफ्तगु हो रही है जी मोहतरमा, ये आईफोन के नाम से जो कनेक्शन है बार बार इससे मुदाखलत हो रही है, बराए मेहरबानी अपने आप को म्यूट रखिए। हम एक दफा आपको खुद म्यूट कर चुके हैं लेकिन फिर आप अनम्यूट हैं, तो अगर आप अनम्यूट रहना चाहती हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आपके पस मंजर में आवाजें नहीं हो। बहुत शुक्रिया, माजरत चाहूंगा। आप कौशर फिर शुरू कीजिए। तसव्वुरात की हद से परे निकल जाना, वाह। अब इंकलाब की जद से परे निकल जाना, वाह वाह वाह। कमाले सब्र करें आम इस तरीके से, कमाले सब्र करें आम इस तरीके से, जफा और जुल्म के कद से परे निकल जाएं। वाह बहुत अच्छा, वाह। जफा और जुल्म के कद से परे निकल जाएं, वाह। चलो है बर्क सफर मुंतजिर तुम्हारे लिए, चलो है बर्क सफर, चलो है बर्क सफर मुंतजिर तुम्हारे लिए, अब आसमान की हद से परे निकल जाएं, आसमान की हद से परे निकल जाएं। और किताब इश्क है, दिल की जबान काफी, किताब इश्क है, दिल की जबान काफी है, काफी है। जबर से जेर से मत से परे निकल जाएं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किताब इश्क है, दिल की जबान काफी है, जबर से जेर से मत से परे निकल जाएं। बात है। गिरा हो नाम भी जिस बज्म में तेरा सबको, गिरा हो नाम भी जिस बज्म में तेरा सबको, हम ऐसी महफिल बद से परे निकल जाएं। क्या कहें, बहुत अच्छा है। नमाज इश्क में कौसर रहे जो सर बसजूद, नमाज इश्क में कौसर रहे जो सर बसजूद, हुदूद मर्ग और लहद से परे निकल जाएं, लहद से परे निकल जाएं। किताब इश्क है, दिल की जबान काफी है, जबर जेर से मत से परे निकल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कौशल, हम ऐसी महफिले बद से परे निकल जाएं। बहुत अब हम आगे चलते हैं और अगले शायर जो हैं जनाब मीसम अब्बासी, आपका ताल्लुक बहावलपुर पाकिस्तान से है मगर अब आप काफी अरसे से टोरंटो कनाडा में मुकीम हैं। उर्दू अकेडमी की महाना मजालिस में भी बाकायदगी से वहीं से हिस्सा लेते रहे हैं। आप एक नए और उभरते हुए शायर हैं, पेशे के एतबार से इंजीनियर हैं मगर शेर व अदब से मोहब्बत रखते हैं, जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक गजल कहते हैं। इनका एक शेर समात फरमाइए। दिल तरफ तारे खसो खाक होना चाहिए, दिल तरफ तारे खसो खाशाक होना चाहिए, खाक से रिश्ते का भी इदराक होना चाहिए। तो दावत देते हैं जनाब अब्बासी को। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इफ्रा, और सबसे पहले उर्दू अकादमी का शुक्रिया, सर अरशद का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया। बगैर किसी तमहीद के कुछ कलाम पेश करना चाहूँगा, पहले एक नज्म, और इत्तफाकन इसका जो मतन है वो भी उससे ही मुताबिक रखता है जो डॉक्टर इफ्रा ने पहले एक नज्म पेश की थी। इस मौजू पे वैसे शोरा काम ही कहते हैं क्योंकि ध्यान ज्यादातर महबूब की तरफ होता है, तो नज्म का उनवान है शरीक हयात। अगरचे मेरी अगरचे मेरी जिंदगी है पेच व खम के दरमियाँ, अजाब ये हयात है मगर तुम्हारा साथ है, यही कमाल बात है। अगरचे मेरी जिंदगी है पेच व खम के दरमियाँ, अजाब ये हयात है मगर तुम्हारा साथ है, यही कमाल बात है। दिले हजी के सोज में गमे जहां का गीत है,
غموں سے کب نجات ہے مگر تمہارا ساتھ ہے, یہی کمال بات ہے. بہت شکریہ. تو کیا ہوا جو زیست کے اصول سب فریب ہیں, ہماری جیت مات ہے مگر تمہارا ساتھ ہے, یہی کمال بات ہے. بہت شکریہ. اور اثر ہے میرے ذہن و دل پر تیرگی کا اس قدر, اثر ہے میرے ذہن و دل پہ تیرگی کا اس قدر کہ دن سیاہ رات ہے مگر تمہارا ساتھ ہے, یہی کمال بات ہے. اثر ہے میرے ذہن و دل پہ تیرگی کا اس قدر کہ دن سیاہ رات ہے مگر تمہارا ساتھ ہے, یہی کمال بات ہے. اور وفا شناس اب کہاں بچا ہے کوئی شہر میں, وفا شناس اب کہاں بچا ہے کوئی شہر میں, نہ رسم التفات ہے مگر تمہارا ساتھ ہے, وفا شناس اب کہاں بچا ہے کوئی شہر میں, نہ رسم التفات ہے مگر تمہارا ساتھ ہے, یہی کمال بات ہے. اور رفاقت جہاں تو بس ہے ساتھ چند روز کا, رفاقت جہاں تو بس ہے ساتھ چند روز کا, اسے کہاں ثبات ہے مگر تمہارا ساتھ ہے, رفاقت جہاں تو بس ہے رفاقت جہاں تو بس ہے ساتھ چند روز کا, اسے کہاں ثبات ہے مگر تمہارا ساتھ ہے, یہی کمال بات ہے. اس کا آخری جز ہے کہ ہماری جستجو میں اب نہ غم نہ انبساط ہے, ہماری جستجو میں اب نہ غم نہ انبساط ہے, بڑی عجیب بات ہے مگر تمہارا ساتھ ہے. بہت شکریہ. اور آخر میں ایک غزل پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد اجازت. بھولا نہیں جنہیں وہ بھلانے لگے مجھے, بھولا نہیں جنہیں وہ بھلانے لگے مجھے, یہ بات جاننے میں زمانے لگے. بھولا نہیں لکھا ہے, واہ واہ, بہت شکریہ, بہت محبت. بھولا نہیں جنہیں وہ بھلانے لگے مجھے, یہ بات جاننے میں زمانے لگے. بہت محبت. اور شہر وفا, بہت شکریہ. شہر وفا کے راستوں کو یاد میں رہا, شہر وفا کے راستوں کو یاد میں رہا, بھٹکا کہیں تو ڈھونڈ کے پانے لگے مجھے, بھٹکا کہیں تو ڈھونڈ کے پانے لگے مجھے. بہت شکریہ سر. اور میٹھی سی دھن میں ڈھال کے میرے کلام کو, میٹھی سی دھن میں ڈھال کے میرے کلام کو, اس کے نگر کے لوگ بھی گانے لگے مجھے. بہت اچھے. میٹھی سی دھن میں ڈھال کے میرے کلام کو, اس کے نگر کے لوگ بھی گانے لگے مجھے. ساحل نہ, بہت شکریہ, بہت محبت. ساحل نہ مل سکا تو ہے اب موج آسرا, جس سمت بھی یہ چاہے بہانے لگے مجھے. بہت محبت. یہ شعر دیکھیں کہ قد میری گفتگو کا جو محفل سے بڑھ گیا, قد میری گفتگو کا جو محفل سے بڑھ گیا, بے ساختہ یہ لوگ اٹھانے لگے مجھے. شکریہ. بے ساختہ یہ لوگ اٹھانے لگے مجھے, اور رہتا ہوں اب میں عشق کی آبادیوں سے دور, رہتا ہوں اب میں عشق کی آبادیوں سے دور, عرصہ گزر گیا ہے ٹھکانے لگے مجھے. بہت اچھا ہے. پڑھیے اسے, پھر پڑھیے. رہتا ہوں اب میں عشق کی آبادیوں سے دور, ایسا گزر گیا ہے ٹھکانے لگے مجھے. بہت صحیح سے کہا ہے, بہت محبت. اور اس غزل کا مقطع اور پھر اجازت, کے میری سخنوری کو یہ اعزاز کم نہ تھا, میری سخنوری کو یہ اعزاز کم نہ تھا, بیسم غزل وہ میری سنانے لگے مجھے. میری سخنوری کو یہ اعزاز کم نہ تھا, بیسم غزل وہ میری سنانے لگے. بہت شکریہ. دوبارہ عطا کیجئے. زمانے لگے. بھولا نہیں جنہیں وہ
भुलाने लगे मुझे, क्या बात, ये बात जानने में जमाने लगे। बहुत मोहब्बत, बहुत मोहब्बत, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। मुझे लगता है कि इस शादी के हसास रिश्ते में जो कमाल हासिल आपने कर लिया है, आपको तो थेरेपिस्ट होना चाहिए, सबको ये सिखाना चाहिए। हमें शादी हुए मेरा ख्याल वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन बार पूरे 15 साल हो गए, लेकिन इस मौके पे नुहा मुतवक्के होता है, लेकिन मैंने यही तो कमाल है। यही तो कमाल है। आपने इतनी उम्दा बात कह दी उनके लिए, यही काफी है। ये मिसम साहब का ये तरीका वारदात है। और यही कमाल बात, यही कमाल, बहुत मोहब्बत, बहुत 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 शुक्रिया। तो अब आगे चलते हैं, जनाब अवैस जाफरी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका ताल्लुक भी पाकिस्तान से है, मगर अभी फिलहाल आप सियाटल में मुकीम हैं। उर्दू अकेडमी का की माहाना मजालिस में भी बाकायदगी से हिस्सा लेते रहे हैं। आपने एक जमाने तक अपने इलाके में शेर व अदब की महफिलें गर्म रखी, अमरीका में बड़े बड़े मुशायरे करवाए, खुद भी उम्दा शेरी और अदबी जौक रखते हैं और शायर भी हैं। आपका एक शेरी मजमुआ छपने के करीब है, आपका एक शेर मुलाहिजा कीजिए। बात करो उस जाने गजल से शेरो सुखन के पर्दे में, बात करो उस जाने गजल से शेरो सुखन के पर्दे में, लफ्जों से असनाम तराशो फिक्रे तशबीहात करो। तो तशरीफ लाइए जनाब अवैस जाफरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। गुज़िश्ता हफ्ते हमारे ताशी भाई ने अली सरदार जाफरी के फ़न और शख्सियत पर बहुत ही कामयाब महफिल मुनाकिद की थी। अली सरदार जाफरी साहब हमारे पास 2 मरतबा आ चुके हैं और एक मशायरे की सदारत भी फरमा चुके हैं, तो मुझे निज़ामत की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और मैंने जिस नज़म से उनका इस्तकबाल किया वो पेश करता हूँ आपकी खिदमत में। मुलाज़िम फरमाइए कि औजे गुमान से बुलंद तेरी नजर, तेरी औजे गुमान से बुलंद तेरी नजर की कमंद, तेरी जुबान फतहमंद तेरा कलाम अर्जुमंद, जिसकी रवानी में है सिंध और जेहलम का जोर, जिसकी रवानी में है सिंध और जेहलम का जोर, गंगो जमन की अदा सतलज रावी का शोर। वाह कैसी कभी और कभी अंदाज जोश, लहजे कैफी कभी और कभी अंदाज जोश, तू कभी तूफान बलब तू कभी मीना बदोश। बहुत शुक्रिया। और फैज के नगमों का हो जैसे सुरूर व खुमार, फैज के नगमों का हो जैसे सुरूर व खुमार, सुरूर से सुरूर बारा बंकती मुराद है और खुमार से खुमार मुराद है। बहुत फैज के नगमों का हो जैसे सुरूर व खुमार, गाह गाह है शोरे नशूर गाह सुकून व करार, और दर्द व अलम पेचो ताब जैसे अदाए मजाज। तेरी सदा में है सोज तेरी नवा में गुदाज, और काबे इल्म व अदब खान कहे फिक्र फन। तरफ इशारा है कि काबे इल्म व अदब खान कहे फिक्र फन, दस गए जी वकार यानी सैयद का चमन, आरज़े महताब दाम काकुले खुर्शीद गीर, तू भी उसी का असीर मैं भी उसी का असीर। बहुत खूब, बड़ी नवाजिश। बंदाए मजदूर का तू है सदा से हलीफ, तू है किसानों का दोस्त बंदाए जर का हरीफ, रंग का शहकार भी फूल की महकार भी, शहकार भी फूल की महकार भी, तू है सरेदार भी और है सरदार भी। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, बिल्कुल सरेदार भी और वाह वाह वाह, बहुत खूब, सरदार को मुकम्मल समो दिया है इस। बहुत 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 खूब। तो अब आगे चलते हैं, हमारे अगले शायर इस प्रोग्राम के हैं जनाब शाह आलम असर। आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है,
और आप एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, आपने दफ्तरी खारजा के तहत मुख्तलिफ एशियाई, अफ्रीकी और यूरोपी ममालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, आजकल डेलिस में मुकीम हैं और कलम से मजबूत रिश्ता रखते हैं। आपकी एक किताब अंग्रेजी में छप चुकी है जो कि आपके सिफारती तजुर्बों की दास्तान है। किताब का नाम है माई स्टिंट विद फॉरन ऑफिस। आप आजकल एक गैर वाबस्ता सहाफी यानी कि फ्री लांस जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। आप शायर भी हैं और मुसव्वे भी। आपका एक शेरी मजमा भी अभी हाल ही में एक ताल्लुक था फकत के नाम से शाया हुआ है। आपको बुलाने से कबल आपका एक शेर पेश करती हूँ। बन जाए ताल्लुक तो खयानत नहीं करता, बन जाए ताल्लुक तो खयानत नहीं करता, मैं जज्बाए उल्फत की तिजारत नहीं करता। बहुत शुक्रिया अफरा बहन। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा सोफिया जमीर साहिबा का, जिन्होंने उर्दू एकेडमी कैलिफोर्निया से तारुफ करवाया और अरशद रशीद साहब से बराह रास्त ताल्लुक कायम करने के बाद यहाँ तक नौबत पहुंची कि मैं इस खूबसूरत मजलिस में शरीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी इजाजत से गजल पेश करना चाहूंगा। जाहिर जमाने भर में किसी पर नहीं हुए, जाहिर जमाने भर में किसी पर नहीं हुए, हमदर्द लोग हमको मयसर नहीं हुए। जाहिर जमाने भर में किसी पर नहीं हुए, हमदर्द लोग हमको मयसर नहीं हुए। जज्बात दिल में थे जो जमा हैं अभी तलक, जज्बात दिल में थे जो जमा हैं अभी तलक, दुनिया के जख्म सह के भी पत्थर नहीं हुए। वो एड़ियां उठा के भी करते हैं कोशिशें, वो एड़ियां उठा के भी करते हैं कोशिशें, लेकिन कभी वो मेरे बराबर नहीं हुए। शायद मेरा नसीब है ऐसा कि मेरे साथ वो हाथ से हुए हैं जो अक्सर नहीं हुए। वो शोर था कि धीमी सी आवाज दब गई, वो शोर था कि धीमी सी आवाज दब गई, जाहिर किसी पे मेरे जौहर नहीं हुए। बहुत खूब। वो शोर था कि धीमी सी आवाज दब गई, जाहिर किसी पे भी मेरे जौहर नहीं हुए। लड़ते रहे हैं हर घड़ी जालिम से बरमला, लड़ते रहे हैं हर घड़ी जालिम से बरमला, हम दाएं बाएं वार से बचकर नहीं हुए। क्या कहने वाह। आखिरी शेर अर्ज के, लिखते रहेंगे शेर असर हुस्न इश्क पर, लिखते रहेंगे शेर असर हुस्न इश्क पर, जरखैज ख्यालात हैं बंजर नहीं हुए। अरे बहुत बहुत अच्छा। एक बार की इजाजत है जी। बिल्कुल जनाब। आप सुना रहे हैं कुछ? जी 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 जी। हिजर में भी तेरे होने का गुमा होता रहा, हिजर में भी तेरे होने का गुमा होता रहा, एक हसी धोखा मेरे साथ यहाँ होता रहा। जिंदगी तू ही बता दे जरा इंसाफ के साथ, जिंदगी तू ही बता दे जरा इंसाफ के साथ, जो मेरे साथ हुआ है वो कहाँ होता रहा। अच्छा। होंठ होंठ खामोश रहे वसल की शब उनके हजूर, होंठ खामोश रहे वसल की शब उनके हजूर, सिर्फ अशकों से मेरा दर्द बयां होता रहा। बहुत अच्छा है। वाह वाह शुक्रिया। कोई आया ही नहीं उनको बचाने के लिए, कोई आया ही नहीं उनको बचाने के लिए, ख्वाब जलते ही रहे और धुआं होता रहा। क्या कहने। वाह बहुत शुक्रिया। दोनों इतराफ बहुत शोर बपा था उस दिन, दोनों इतराफ बहुत शोर बपा था उस दिन, आहोजारी थी यहाँ जश्न वहाँ होता रहा। वाह।
आखिरी शेर अर्ज किया कि सोचते सोचते सब वक्त गंवाया है असर, सोचते सोचते सब वक्त गंवाया है असर, किस कदर कीमती दौलत का जाया होता रहा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। जिंदगी तू ही बताते जरा इंसाफ के साथ, जो मेरे साथ हुआ है वो कहाँ होता रहा। ये थे जनाब शाह आलम असर साहब। अब हम अगले शायर को दावत देते हैं। तो हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब रिजवान हसनी साहब, जिनका ताल्लुक कराची से है और 30 बरस से अमेरिका में मुकीम हैं। पेशे के हिसाब से ये भी इंजीनियर हैं। मुझे लग रहा है बहुत सारे इंजीनियर्स हमारे यहाँ मौजूद हैं, हालांकि ये सिर्फ सिलिकॉन वैली से नहीं है, सिलिकॉन वैली के बाहर भी बहुत इंजीनियर्स हैं। आजकल डैलस टेक्सस में अहल वयाल के साथ मुकीम हैं और डैलस के एक इंतहाई फ़ाल तंजीम उर्दू घर से भी मुंसलिक हैं। उर्दू घर डैलस की अदबी नशिस्त हर इतवार को होती है। इस तंजीम का सदर दफ्तर डैलस में है और इसका अपना पहचान के नाम से जरीदा भी है। उर्दू घर डैलस के प्रोग्राम यूट्यूब पर भी मौजूद हैं। रिजवान उर्दू घर डैलस के मौजूदा सदर भी हैं। आप ज्यादातर मजाहिया शायरी करते हैं, नसर भी लिखते हैं और मुस्लिम तखल्लुस करते हैं। उनका एक शेर पेश करती हूँ। शादी के दिन मुआमला गंभीर हो गया, शादी के दिन मुआमला गंभीर हो गया, उसने कहा कबूल मगर आंख मार के। तशरीफ लाते हैं जनाब रिजवान हसनी साहब। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तारुफ का। और मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जनाब उर्दू अकेडमी का और मोहतरमा सूफिया ज़मीर का, जिन्होंने हम इंट्रोड्यूस कराया और रब्ता कराया। तो जनाब ये पहले मैं आपको एक गजल पेश कर देता हूँ। हर एक खता न लिखना फरिश्तों हिसाब में, हर एक खता न लिखना फरिश्तों हिसाब में, एक आद भूल होती है सबसे शबाब में। क्या बात है, हर एक खता न लिखना फरिश्तों हिसाब में, एक क्या बात है, वाह, होती है सबसे शबाब में। होगा गुनाह कम के इजाफा अजाब में, होगा गुनाह कम के इजाफा अजाब में, बेची अगर हो करके मिलावट शराब में। होगा गुनाह कम के इजाफा अजाब में, बेची अगर हो करके मिलावट शराब में, उम्मत में इख्तिलाफ है काफी उमूर पर, बहुत अच्छे, उम्मत का इत्तेहाद है तिक्के कबाब में। उम्मत में इख्तिलाफ है काफी उमूर पर, उम्मत का इत्तेहाद है तिक्के कबाब में। तिब्बी रिपोर्ट दिल की न जब तक मिली मुझे, आते थे वसवसे दिले खाना खराब में। बहुत अच्छा, तिब्बी रिपोर्ट दिल की न जब तक मिली मुझे, आते थे वसवसे दिले खाना खराब में, तारे फलक पे हैं के रकाबी में तिल धरे। फूके ने देखे नान रुखे महताब में, तारे फलक पे हैं के रकाबी में तिल धरे, फूके ने देखे नान रुखे महताब में। तिल वाले बात है। आते हैं पांच वक्त खुदा से वो मांगने, मस्जिद में जब से देखी है गोरी हिजाब में। आते हैं पांच वक्त खुदा से वो मांगने, मस्जिद में जब से देखी है गोरी हिजाब में। मस्जिद का पता बताइए। मरहम समझ के जख्म किए अल्कोहल से साफ, मरहम समझ के जख्म किए अल्कोहल से साफ, मिलती जो मुफ्त में तो नहाते शराब में। मिलती जो मुफ्त में तो नहाते शराब में, छोटी बहन दिखा के बड़ी का किया निकाह। क्या बात है, छोटी बहन दिखा के बड़ी का किया निकाह, कहते हैं धांधली हुई है इंतखाब में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। छोटी बहन दिखा के बड़ी का किया निकाह, कहते हैं धांधली हुई है इंतखाब में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाइज ने जब शुरू की दोजख की दास्तां, लगता था फंस के रह गए मुस्लिम अजाब में। वाइज ने जब शुरू की दोजख की दास्तां, लगता था फंस के रह गए मुस्लिम अजाब में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर, वाह क्या बात।
अब साहब मैं आपके लिए एक और पेश कर रहा हूँ थोड़ा। अच्छा, ये एक नज्म है, ये अमरीकी मस्जिद का इलेक्शन। आपको पता है हम लोग मस्जिद में इलेक्शन होते हैं, और मुझ जैसे जो देसी अंकल होते हैं इनको बहुत शौक होता है मस्जिद की निजामिया में आने का। तो एक मुझ जैसा कोई देसी अंकल है जो खड़ा हुआ है इलेक्शन में, और यकीन अगर आपने कुछ मस्जिद की थोड़ा बहुत जानते हो जो पॉलिटिक्स होती है, तो उस पे ये इरशाद है। रजवान साहब मैं आपको बैकग्राउंड से पसमंजर से बहुत ज्यादा आवाजें आ रही है, बराए करम आप सब लोग देखिए कि किसकी तरफ से ऐसा हो रहा है, मैं पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा हूँ। आप शायर को भी मुशायरे को भी ठीक है ऐसा ना कीजिए। रजवान साहब माजर के साथ दोबारा आपकी तरफ। शुक्रिया। ब्रदर मेरे मोहतरम, मेरी सिस्टर, इलेक्शन हमारी है मस्जिद का सर पर। न थी मेरी ख्वाहिश के लड़ता चुनाव, ये उम्मत ने डाला है मुझ पर दबाव। मुझे नामजद एक कजन ने किया है, लिहाजा इलेक्शन में फिदवी खड़ा है। क्या बात, बहुत अच्छे। मुहिम इंतखाबी चलाने से आरी, मुझे रोकती है मेरी खाकसारी। तबीयत मेरी सबकी खिदमत पे मायल, तासुब नहीं मेरी अजमत में हायल। मगर बात सच्ची तुम्हें बताना, नए मुस्लिमों को ना पावर मिलाना। नहीं दीनो ईमा अभी इनका कामिल, हकूमत के एजेंट इनमें है शामिल। ये जासूस सरकार का है जमाना, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। ये जासूस सरकार का है जमाना, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। मुझे कुछ न खुफिया इदारों से लेना, सदा से हूँ मुस्लिम, मुझे वोट देना। जवानों की बस की सियासत नहीं है, बिना उम्र पुख्ता क़यादत नहीं है। हमारे ये बच्चे अभी ना समझ हैं, ना अंकल हो लीडर, ये हिकमत नहीं है। मानो की किस्मत का मैं हूँ सितारा, मुझे वोट देना, मैं अंकल तुम्हारा। डिनर पर नमाजी जो मस्जिद में आए, निहारी और बिरयानी सबको खिलाए। यहाँ अब बहन की यूं बेदारी होगी, पकोड़े बिना अब न इफ्तारी होगी। मजेदार खानों का वादा मेरा है, फकत वोट देने का जिम्मा तेरा है। अरब को मसाला भी खाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। कमाल। मेरी पॉलिसी देख दुनिया कहेगी, ये अमरीकी मस्जिद तो देसी रहेगी। अखुवत दिलों में यू फूले फलेगी, अरब की नहीं कोई मर्जी चलेगी। किसी शेख व मुल्ला का चरबा नहीं हूँ, मुझे वोट देना, मैं अरबा नहीं हूँ। किसी से भी पूछो, ये सभी ने माना, खिलाड़ी सियासत का मैं हूँ पुराना। मैं मस्जिद से बाहर हूँ खामोश रहता, मगर मस्जिदों में नहीं जुल्म सहता। जहां पर हो झगड़ा मैं आता नजर हूँ, बहुत हूँ बहादुर, बड़ा ही निडर हूँ। अदालत के चक्कर, हुकूमत के दफ्तर, रहूंगा किसी से भी हरगिज न दबकर। जमानी मकानी जो हो कार्रवाई, सिखाऊंगा गोरे को मैं मुख मुकाई। जमानी मकानी जो हो कार्रवाई, सिखाऊंगा गोरे को मैं मुख मुकाई। मैं इस अंजुमन की लड़ूंगा लड़ाई, अदावत में होगी फतावा नुमाई। क्या बात है। अगर जोर मुझसे बाजू में होगा, इमाम अपनी मस्जिद का काबू में होगा। ये मस्जिद हमारी है, सो काहे डरना, खड़ी कार अपनी जहां चाहे करना। मस्जिद हमारी है, सो काहे डरना, खड़ी कार अपनी जहां चाहे करना। टिकट देना अपनी शरीयत ना होगी, इधर टो कराने की बिद्दत ना होगी। बजट पर नजर भी मैं रखूंगा, ऐसे खजाने पे बैठा कोई नाग जैसे। डिनर फंड रेजिंग सालाना होगा, मगर जमा चंदा तो रोजाना होगा। इकट्ठा करेगा ये नाचीज बंदा, खुशी में भी चंदा, गमी में भी चंदा। जो शादी यहाँ हो वो दिल शाद होगी, ये मस्जिद जनाजों से आबाद होगी। अजम चांद है या अरब चांद होगा, उलझती है उम्मत कि कब चांद होगा। सदारत मेरी ऐसी जमहूरी होगी, सहूलत हो लोगों की तब चांद होगा। मुझे टीम ईमा का कप्तान समझो, मुझे टीम ईमा का कप्तान समझो, मुझे आप लोगों का इमरान समझो, मुझे समझो दक्कन का दूजा ओवैसी। मुझे वोट देना, मैं अंकल हूँ देसी। बहुत खूब, क्या कहने, बहुत क्या कहने।
बहुत खूब बहुत मुझे वोट देना, मैं अंकल हूँ देसी। बहुत अच्छा, खूब नक्शा पेश किया, क्या मंजर कशी किया भाई, वाह। मुझे इससे याद आ गया कि हमने अभी एक हाल ही में सैन जोसे की एक मस्जिद में फ्री क्लिनिक शुरू किया है। संडेज को हम मैं और कुछ और डॉक्टर्स, हम जिन पेशेंट्स के पास इंश्योरेंस नहीं होती उनको हम देखते हैं संडे मॉर्निंग को। तो बहुत सारे देसी अंकल्स जो मसाजिद के बोर्ड्स पे होते हैं उनके साथ मेरा वास्ता पड़ा है और मसाले भी खाने को मिले हैं, और लेकिन मैं खुशी से कह सकती हूँ कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक हमारा पार्टनरशिप।